जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना किसी दिन भी जारी हो सकती है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि 29 सीट समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अनाउंस किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी की दूसरी लिस्ट नहीं आई। आपने देखा कि कांग्रेस ने अपने 39 सदस्यों की लिस्ट जारी किया है कल, लेकिन उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक भी सीट की लिस्ट नहीं जारी की है। आपको हम बता दें, यह खबर बहुत दिनों से सुर्खियों में है कि बहुजन समाज पार्टी को इंडिया गठबंधन में लाने का गंभीर प्रयास हो रहा है, और वह घड़ी अब आ गई है जब बहुजन समाज पार्टी की इंडिया गठबंधन में किसी दिन भी एंट्री हो सकती है। अभी तक बहन जी ने भी जो है अपनी लिस्ट नहीं जारी किया है। यहाँ तक कि बसपा के सूत्रों की अगर माने तो बहन जी ने अब जो है आवेदन लेना भी बंद कर दिया है, और बहुत जल्द बहन जी भी अपनी लिस्ट तैयार कर रही हैं। इस पर बात हम आगे करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहें। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और आपको बहुत मजा आएगा, और जो राजनीति को समझते हैं वे जानेंगे कि क्या ऐसी वजह रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। जैसा कि सुर्खियों में बना है, हर चैनल पे हर यूट्यूबर्स, बड़े यूट्यूबर्स भी इस बात को चला रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बहन जी की एंट्री होने वाली है। मायावती को 27 सीट मिलने का ऑफर दिया जा चुका है। कहा जाता है कि सोनिया गांधी इसकी अगुवाई कर रही हैं, यही वजह है। आपने अगर देखा हो तो यह सबसे बड़ी वजह है कि बहन जी ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी नहीं किया है। बसपा के सूत्रों ने बताया कि कुछ सीटों पर पैनलिस्टों के नाम चले गए, उसके बाद बहन जी का निर्देश हुआ है कि अब जो है नए आवेदन ना लिए जाएं और नए लोगों को अभी आश्वासन ना दिया जाए। जाहिर सी बात है, इसके पीछे यही मंशा है कि इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी का आना बहुत जरूरी है। उसके पीछे सबसे ज्यादा बड़ी वजह यह है कि बसपा के पास 20% वोट उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा उत्तराखंड में लगभग 6% वोट है, पंजाब में लगभग 7% वोट है, दिल्ली में लगभग 4% वोट है, राजस्थान में लगभग 6% वोट है, तेलंगाना में लगभग 7% वोट है। इसी तरीके से राजस्थान में भी जो है बहुजन समाज पार्टी के पास 5 से 7% वोट है, झारखंड में इसके पास बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है, छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी के पास वोट है। इन सबको लेकर के एक्चुअली क्या है कि इंडिया गठबंधन चाहती है कि एनडीए गठबंधन को सत्ता से आउट किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर 200 से ज्यादा सीटें ना लेने दी जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती का इंडिया गठबंधन में होना। अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं तो इस समय जो इंडिया गठबंधन के पास 35% वोट उत्तर प्रदेश में है, वह बढ़ करके तुरंत जो है 55% वोट तक चला जाएगा। इस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी अपने आप में चिंतित दिखाई दे रही है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष अपनी अभी अपना पत्ता नहीं खोल रही हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर रही है, समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं कर रही है, और सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि सोनिया गांधी जो है इसकी अगुवाई कर रही हैं और बहुत जल्दी बहुजन समाज पार्टी की एंट्री इंडिया गठबंधन में होगी। एक्चुअली इंडिया गठबंधन की अपनी मजबूरी है। इंडिया गठबंधन की जो सबसे बड़ी मजबूरी है, 2019 लोकसभा में आप सभी लोगों ने देखा है कि इंडिया गठबंधन के साथ, मतलब समाजवादी पार्टी के साथ, तब इंडिया गठबंधन नहीं बना था, समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। लेकिन इसके बावजूद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने वह सफलता नहीं पाई थी। लेकिन आज की तारीख में जहां समाजवादी पार्टी अलग हो गई है, बहुजन समाज पार्टी अगर अलग लड़ती है तो कांग्रेस के साथ आने से भी वो सफलता नहीं मिलनी है। आपको बता दें कि बदायूं वाली सीट धर्मेंद्र हार गए थे सपा बसपा गठबंधन में, यहां तक कि कन्नौज वाली सीट भी हार गए थे, यहां तक कि बड़ी बड़ी सीटें, मैनपुरी की सीटें भी हार गए थे, मैनपुरी सीटें शायद जीत गए थे, सॉरी। तो ऐसी कंडीशन में बड़ी बड़ी सीटें जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वो सीटें हार गए थे। उपचुनाव होने पर आजमगढ़ की सीट जो है हार गए थे,
तो ऐसी कंडीशन में इंडिया गठबंधन कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। वे 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में एकदम नहीं रिस्क लेना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो 80 का 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखी है वो पूरा हो सके। इसमें सबसे बड़ी कड़ी है कि बहुजन समाज पार्टी को लाना। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया यह जो है अक्सर प्रचार करती रहती है कि बहन जी डर रही हैं सीबीआई ईडी फलान ढिकान इन सब जांच एजेंसियों से, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी के ऊपर जो भी आरोप लगे थे उन सबसे उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। ऐसा कहीं से कोई वो नहीं, वो बहन जी डरने वाली नेता नहीं है। बहन जी एक दूरदर्शी नेता है, मायावती एक दूरदर्शी नेता है, और वे जानती हैं कि कब उनको कौन सा कदम उठाना है। आप याद करिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो है वो अविश्वास मत का सामना कर रही थी, और पहले तो सदन में मायावती ने कहा कि जो है हम कांग्रेस हमारे लिए नागनाथ है, भाजपा हमारे लिए सांपनाथ है, हम जो है किसी का साथ नहीं देंगे। लेकिन लास्ट में उन्होंने वोटिंग कर दिया और जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किया तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी। अब आप सोचिए कि कब कौन सा कदम उठा ले बसपा, यह बात कोई नहीं जानता है। इसी तरीके से फूड सिक्योरिटी बिल पर भी हुआ था, जब बहन जी ने राज्यसभा में विपक्ष का साथ दे दिया था और लोकसभा में उन्होंने नहीं दिया था। तो ऐसी कंडीशन में आप सोच सकते हैं कि मायावती जैसी दूरदर्शी नेता जिन्होंने अपनी शर्तों पर सत्ता किया, अपनी शर्तों पर कभी उन्होंने भाजपा के साथ भले मिलकर उन्होंने सरकार बनाई लेकिन भाजपा से कोई समझौता नहीं किया। तो ऐसी कंडीशन में यह बात मानने वाली है जो लोग आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है भाजपा की। ऐसे लोगों को बहन जी हमेशा जो है संदेश देती रही हैं कि ऐसा नहीं है, भरोसा करना चाहिए। लेकिन आईटी सेल ने ऐसे अफवाह फैलाए कि लोग जो है भरोसा कम कर पाते थे। अब वो घड़ी आ गई है जब इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री होनी है, और यहां तक कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्षा मायावती को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दे या प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दे। देखिए इसके पीछे रीजन है, प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने पर बहुजन समाज का जो वोट है वो एक तरफा इंडिया गठबंधन के साथ जाएगा, कहीं से वो टूटेगा नहीं। और इसके लिए इंडिया गठबंधन अगर तैयार हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष को प्रधानमंत्री पद का घोषित कर दिया जाए तो यह एक बहुजन समाज पार्टी के लिए तो है ही है फायदेमंद, साथ में इंडिया गठबंधन के लिए फायदेमंद कई राज्यों में होना है। इसी रणनीति पर इंडिया गठबंधन चल रही है और इसी रणनीति के तहत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों का अब ऐलान नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस ने स्पेस दे रखा है और अब आचार संहिता लगने के बाद बहुत कोशिश की जा रही है कि आचार संहिता जब लग जाएगी उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का इंडिया गठबंधन में शामिल होना तय माना जा रहा है। आगे क्या होगा, इंडिया गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इधर जब देखिए जब अविनाश पांडे ने कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने बहन जी को आने के लिए कहा था तो उन्होंने जो है ट्वीट करके यह संदेश दे दिया था कि वो अकेले लड़ेंगी। लेकिन आज की तारीख में इतना जो है सोशल मीडिया पर भी और जगह भी ये बातें चल रही हैं कि बसपा का एंट्री होने वाला है इंडिया गठबंधन में, बहुजन समाज पार्टी की एंट्री होने वाली है इंडिया गठबंधन में, इस पर बहन जी का कोई ट्वीट नहीं आया। बहन जी ने कुछ भी कभी इनकार नहीं किया। इससे लगता है कि यह संभावना बनी हुई है और अंदर खाने कांग्रेस अध्यक्षा पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी से बातचीत चल रही है, कांग्रेस के और नेताओं से बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी की थोड़ी सी समस्या है, समाजवादी पार्टी के नेता कुछ असहमत हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन में बहन जी की एंट्री हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी मजबूरी है, वो अकेले चुनाव लड़ नहीं सकती है उत्तर प्रदेश में, लड़ जाए तो एक भी सीट जीतने के कंडीशन में नहीं है। जिस तरीके से और गठबंधनों में जिस तरीके से मीडिया में ये बात आ रही है कि अगर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रही, केवल बहुजन समाज पार्टी ना रही, तो हो सकता है कई सीटों पर जमानत ना बचे। ऐसे कंडीशन में बहुजन समाज पार्टी का इंडिया गठबंधन में आना जरूरी है। समाजवादी पार्टी विरोध अगर कर रही है, अगर वहां कहीं से भी उनकी नाराजगी है, तो
उसको कांग्रेस मानने वाली नहीं है। कारण ये है कि जन अगर एनडीए को सत्ता से बाहर करना है तो बहन जी का आना जरूरी होगा, और सपा चाहती है कि नहीं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से बेदखल कर दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से बेदखल करने के लिए लोकसभा ना सोचकर समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा के बारे में सोच रही है। यही वजह है कि सपा में थोड़ी नाराजगी भले है कांग्रेस के प्रति बहुजन समाज पार्टी को लेने के लिए, लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि उसके 17 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि अमेठी और रायबरेली को भी उनको बचाना है अब की बार, तो 17 उम्मीदवारों में कुछ सीटें जीते इसके लिए बहन जी का आना इंडिया गठबंधन में बहुत ही जरूरी है। और इसकी जो है पूरी ताना माना बुना जा चुका है, आज शाम तक या फिर आचार संहिता लगने के बाद इसका ऐलान हो जाएगा। बड़े बड़े चैनल इसका विश्लेषण कर रहे हैं, गोदी मीडिया विश्लेषण भी कर रही है, और इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं जिसको बहन जी ने इनकार नहीं किया है। आगे क्या होगा हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए एमटी टॉक।